मानसून की पहली बारिश ने भ्रष्टाचारियों की पोल खोलकर रख दी है। डिंडौरी में एक सप्ताह पहले बनी सड़क बारिश के पानी में धस गई, जिसकी वजह से आम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से हर जगह के नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार का ये मामला डिंडौरी से आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम गीधा में अमरकंटक रोड से नर्मदा जाने वाली सड़क का निर्माण एक सप्ताह पहले ही हुआ था। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने इस सड़क निर्माण में अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिस वजह से सड़क पानी में धस गई। अब देखना यह होगा कि सरकार दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। इधर डिंडौरी जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। इसी के साथ लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने पड़ रहे हैं। एक युवक जान जोखिम में डालकर खरमेर नदी पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण उसकी बाइक पानी में डूबती चली गई। हालांकि युवक बाइक छोड़कर वहां से भाग निकला। मामले पर पुलिस का कहना है कि खरमेर नदी के किनारे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और लोगों को वहां न जाने की सलाह भी दी जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।